गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर के रिलेटेड जो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फारेनहाइट में जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, बेटा आपने वो क्वेश्चन भी करके नहीं भेजे हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन लिख के दिए थे आपको और ये कहा था कि भाई कुछ क्वेश्चन दिए थे जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना था और जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। उसके नियम, उसके सूत्र हमने आपको बताए थे और आप में से किसी भी एक विद्यार्थी ने भी यह करके नहीं दिखाया। इसका मतलब यह है कि आप घर पे प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे। जब घर पे आप प्रॉपर तरीके से जब तक आप अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप पिछड़ते जाएंगे केमिस्ट्री से। तो कुछ टेम्परेचर है, विभिन्न जल का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री फारेनहाइट में कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 32 फारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273 केल्विन। ठीक है बेटा। अब जो ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है, अगर हम जैसे डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है 102 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री का मतलब क्या है कि उन्होंने वो जो टेम्परेचर मेजर किया है वो किस में मेजर किया है, फारेनहाइट में मेजर किया है बेटा। और अगर उससे हम कहें कि भाई हमारा जो उसमें मेजर करो सेंटीग्रेड में, किस में मेजर करो, सेंटीग्रेड में मेजर करो, तो वो कितना होगा और केल्विन में कितना होगा बेटा, आपको फॉर्मूला सब पता। ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे। ओके बेटा, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, कमरे के ताप की बात करें, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, तो कमरे का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस डिग्री सेंटीग्रेड को आप फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। डिग्री फारेनहाइट के बराबर क्या होता है, 5 बटे 5 गुना डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये सूत्र होता है ना बेटा। तो आज हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, कि फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, ये हम आपको सिखाएंगे आज और सार्थक अंक पढ़ाएंगे, वैज्ञानिक संकेतन पढ़ाएंगे। आज हम इन्हीं का डिस्कस करेंगे। डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। देखो बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड मान लो मैंने आपसे इसी में ले लेते हैं 32 सॉरी इसको ले लेते हैं हम 212 डिग्री फारेनहाइट ले। 212 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल। बेटा ध्यान रखना, आपको पता है डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इनटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये होता है ना, डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 212 राइट। और अभी इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं, किसका, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फारेनहाइट सेंटीग्रेड लिखा, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 इनटू डिग्री फारेनहाइट -32। ये फॉर्मूला होता है डिग्री फारेनहाइट -32। तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 इनटू डिग्री फारेनहाइट कितनी है, 212 डिग्री फारेनहाइट -32।
212 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री फारेनहाइट। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड आए बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड आएंगे बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएंगे। तो आप लोग जो हमने आपको सिर्फ दो क्वेश्चन दिए थे, पर एक क्वेश्चन में क्या था कि डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना था, फारेनहाइट में, और दूसरा क्या था डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना था। लेकिन जिसमें से किसी भी एक भी विद्यार्थी ने नहीं किया, ना किसी ने कोई आंसर हमारे पास भेजा, हमने आपको बता रखा है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें मैसेज करके, कमेंट्स करके, कॉल करके बताइएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि वीडियो देखा और उसको फिर अनदेखा कर रहे हैं। बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है, और जब प्रॉपर देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपको उनका आंसर भी देना होता है। सिर्फ मान रखने थे सूत्र में, लेकिन आपने मान नहीं रखे। ये फारेनहाइट का सूत्र है, फारेनहाइट निकालने का, जहां डिग्री सेंटीग्रेड दिया है वहां डिग्री सेंटीग्रेड का मान रखना है, बस ये काम था। और ये डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट निकालने का, जहां फारेनहाइट दिया है फारेनहाइट, और केल्विन का तो बहुत सिंपल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। केल्विन का मान जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन हैं, तो 273 में 25 जोड़ देंगे। लेकिन आपने ये भी नहीं किया, बहुत निराशा की बात है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप नहीं पढ़ोगे, आंसर भेजना है आपको, आज जरूर भेजना है, कल कोई बात नहीं, आपने कोई आंसर शायद वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन बेटा आज आपको आंसर कंपलसरी भेजना है, सभी बच्चों को आंसर भेजने करके। और मैं आज और वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन किसके हैं कि डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो सिंपल से है वो क्वेश्चन भी, बड़े सिंपल है बेटा, करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपको आया है नहीं आया है, बिना कि आपको पता कैसे लगा लोगे हमें आया नहीं आया। डिग्री फारेनहाइट को कैसे बदलना है सेंटीग्रेड, इसी में से ले लेते हैं, इसी में से। सेवन डिग्री फारेनहाइट इसको आपको बदलना है। ओके बेटा, नंबर 2, 32 डिग्री फारेनहाइट इसको भी आपको सेंटीग्रेड में बदलना है। और एक 32 डिग्री से 132 को बनाएंगे, आपको इसमें करना है करना। ओके बेटा, मान पॉइंटों में आए कैसे भी आए, आपको सोल्व करना है, नहीं आ रहा है आपको तो आप हमें मैसेज करके, प्रॉपर कॉल करके, जैसे भी आपको समझना हो आप समझिएगा, लेकिन बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब कुछ तापमान में जल का हिमांक, हिमांक क्या होता है बेटा,
आपको पता है ये पदार्थ का भौतिकीय गुण है, पदार्थ का भौतिकीय गुण है। और हिमांक में क्या होता है कि पदार्थ यानी कि जैसे अगर हम बात करें हिमांक का अर्थ होता है जमना, हिमांक का अर्थ क्या होता है जमना, किसी भी द्रव्य पदार्थ का वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम का मतलब होता कम से कम, किसी भी द्रव्य पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वह पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हिमांक। और हमने जो जल का हिमांक लिखवा रखा है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जमना शुरू हो जाता है। अगर हम उस डिग्री सेंटीग्रेड को फोरनेहाइट की बात करें, 32 डिग्री फोरनेहाइट होता है, और केल्विन में बात करें 273 केल्विन होता है। पढ़ना आपको पड़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारा काम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज कर रहा हूं। फिर स्क्रीनशॉट लिया बेटा आपने? देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक लेके आए हैं वैज्ञानिक संकेतन, कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं। किसी भी संख्या को चर घातांक के रूप में लिखना, किसी भी संख्या को किसके रूप में लिखना, चर घातांक के रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अर्थात बड़ी बड़ी संख्याओं को उनके घातांक में परिवर्तित करके छोटी संख्या में लिखना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जिसके लिए एक सूत्र प्रतिपादित हुआ है, n गुणा 10 की पावर n, n जो ये दिखाया गया है कैपिटल n है, यह क्या है? अशून्य अंक जो 10 बिंदु के कहां होंगे? बाई तरफ होंगे। कहां होंगे बेटा? अशून्य अंक 10 बिंदु के बाई ओर, कहां होंगे? 10 बिंदु के बाई ओर। और जो ये n दिखाया गया है यह है पूर्णांक, घात होगी। क्या होंगी? घात होंगी। और उन घातों को हमें बड़ी से बड़ी जो संख्याएं हैं उनको घातांक रूप में लिखना क्या है? वैज्ञानिक संकेतन है बेटा। क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन से हम योग करना भी सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे, गुणा करना भी सीखेंगे और भाग देना भी सीखेंगे। ओके बेटा, देखो जैसे आपसे कहा जाए प्रश्न संख्या 1, 5334 नंबर 2, 5342 0.0006 3849 को आपको किस में लिखना है बेटा? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। किस में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन में। तो अशून्य अंक 10 के बाईं ओर, इसका क्या हो जाएगा? देखो बेटा 5। अब हम एक बात ध्यान रखना, एक बात कौन सी ध्यान रखनी है बेटा? एक बात ये ध्यान रखनी है, यदि हम पीछे से आगे की तरफ जाए, पीछे से कहां जाए? आगे की तरफ, अर्थात दाएं साइड से कहां जाए? बाएं साइड की ओर। दाएं पक्ष से कहां जाए? बाएं पक्ष की ओर। तो मान आएगा प्लस। और जब बाएं साइड से कहां आए? दाएं साइड आए।
तो मान जो पूर्णांक आएगा वो आएगा माइनस। ठीक है, अब हम एक दो तीन, तीन अंकों के बाद यदि क्या लगा दे, पॉइंट लगा दे, क्या लगा दे बेटा, पॉइंट। पांच गुना दस की घात, फिर 5.334 दस की घात कितनी होगी बेटा, तीन। तीन अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो घात कितनी होगी, तीन। और इसमें देखो बेटा, अगर इसको हमें और सरल करना है, क्या करना है, और सरल करना है, तो हम क्या करें, यहां पर देखो एक अंक के बाद पॉइंट लग रहा है ऑलरेडी, अगर यदि हम इसको ऐसे लिखे 5.342 तो आएगा 10 की घात 2। ध्यान से देखो, यहां पर देखो पॉइंट लग रहा है, पहले अंक के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, तो इस अंक को जब हम और यदि आगे बढ़ाएं तो तीन आएगा, एक तो घात है पहले पॉइंट है और दो ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, तीन। अब इस पे ध्यान दो बेटा, पांच इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6.4 × 10 की घात, बताओ माइनस चार, क्या आएगी बेटा, 6.4 × 10 की घात माइनस चार, और इसकी क्या आ जाएगी, 3.849 × 10 की घात तीन। ओके बेटा, तो इनको यानी कि जो ये संकेत दिए हुए हैं इनको घातांक यानी चर घातांक के रूप में लिखना, ये क्या है, वैज्ञानिक संकेतांक, किसके रूप में लिखना, चर घातांक के रूप में लिखना, ये क्या है, वैज्ञानिक संकेतन है। अब जो वैज्ञानिक संकेतन हमने पढ़े हैं उसमें हम पढ़ेंगे गुणा और भाग। एक बात आपको पता है कि किसी भी संख्या को जब गुणा करते हैं और यदि वह संख्या घातांक रूप में है तो घात का क्या होता है, योग होता है। क्या होता है बेटा, घातों का क्या होता है, योग होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, वैज्ञानिक संकेतन से गुणा और भाग, वैज्ञानिक संकेतन से गुणा और भाग। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणा करना, तो देखो जो हम नियम लागू करते हैं गुणा और भाग में वही नियम लागू होंगे यहाँ। तो जैसे एक एग्जांपल है अपने 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये है बेटा, ये है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए देखो बेटा घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। देखो 5.6 × 6.9 × 10 की पावर 5 + 8, ये घात है, दोनों घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा बेटा, इंटू में तो रही नहीं लेकिन क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 38.64 × 10 की पावर 30। अब यदि हम ये दशमलव एक पॉइंट और आगे लगाते हैं, यदि ये दशमलव एक अंक और आगे लगा दें तो बेटा जब जितने अंक आगे लगाएंगे उतनी घात बढ़ती जाएगी। अभी 38.64 × 10 की पावर 30 है,
तो इसको आप और सरल कर सकते हो 3.864 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा कि दशमलव के बाईं ओर एक अशून्य अंक जरूर रहेगा वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में क्या रहेगा? दशमलव के बाईं ओर एक अशून्य अंक जरूर रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा। ओके, तो अब जैसे हम यहां से आगे गए तो कितनी होगी 10 की पावर 14 होगी बेटा, कितनी होगी 10 की पावर 14। ध्यान से देखो इस चीज, देख लिया आपने, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम भाग सीखेंगे, गुणा देख लिया और गुणा कराएंगे। चलो गुणा और एग्जांपल देख लेते हैं। नोटबुक में नोट करने हैं आपको सारी चीजें। तो वैज्ञानिक संकेतन में भी एक गुणे का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल ये है, नौ पॉइंट एट इंटू 10 की पावर -2 और 2.5 इन्हें हमें क्या करना है? गुणा करना है। हमने आपको बता रखा है गुणा करने पर समान अंकों, जो समान चिन्ह है, जो घात है, गुणा करने से घातों का क्या होता है बेटा? योग होता है। गुणा करने से घातों का क्या होता है? योग होता है। ये हो जाएगा 9.8 × 2.5 इंटू 10 पावर -2 + -6, ये हो जाएगा। दोनों घातों का योग है वो माइनस प्लस माइनस टाइप से है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 9.8 × 2.5 10 की पावर माइनस 8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24.50। क्या आ जाएगा बेटा? 24.50 × 10 की पावर -8। आप देखो बेटा, जब मैंने आपको बता रखा है इसको और सरल गिनती करेंगे, ये पॉइंट कहां जाएगी? यहां पे जाएगी। जब ये पॉइंट दशमलव यहां पे जाएगी 4 के आगे, तो क्या होगा? वैल्यू प्लस की आएगी ना, किसकी आएगी? 10 की घात 1 प्लस की होगी, और यहां पर 10 की घात -8 है, तो 10 की घात +1 +1 और -8 क्या हो जाएगा? -7 बचेगा। ध्यान रखो, यहां से जब इस दशमलव को हमने यहां पर बनाने की कोशिश की, जब मैंने बताया कि इधर से जाएंगे तो वैल्यू प्लस भी आएगी, तो प्लस का मान आया है वो -8 को, अगर आप इसको और डिटेल करना चाहो, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं 2.45 × 10 की घात -8 × 10 की घात +1। अब जब प्लस का ये 1 होगा, ये माइनस के 8 होंगे, तो क्या आएगा बेटा? 10 की घात -7 आएगी। ध्यान से देखो,
फिर हम भाग करना और सिखाएंगे। देखा, अब हम सीखेंगे भाग करना। 2.7 3 अपॉन 5.5 इंटू 10^4 ये है बेटा। अब हम क्या करेंगे, भाग करना सीखेंगे। देखो बेटा सीधे सीधा हो जाएगा, 2.7 अपॉन 5.5 इंटू 10^-3 है, तो ये 10^4 है बेटे, ये कहां से ले जाएगी, ऊपर। जब कोई ऊपर जाती है तो वह चिन्ह परिवर्तित करती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो 10^-4। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, देख लिया। तो ये कितना हो गया, 2.7 अपॉन 5.5 इंटू 10^ कितनी होगी, -7। अब देखिए बेटा, जब इसमें हम भाग देंगे तो वैल्यू आती है कितनी, 0.4909 इंटू 10^-7। अब बेटा एक बात सोचिएगा, वैज्ञानिक संकेत का सूत्र निकल गया, सूत्र क्या होता है, n गुना 10^n, n दशमलव के बाद का अशून्य अंक है, दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक है क्या इसमें, जो ये दिखा रखा है, ये जो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक है क्या बेटा, कोई भी अशून्य अंक नहीं है। जब यहाँ पर कोई भी अशून्य अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव को हम यहाँ पर लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं, ये दशमलव आपको हम यहाँ पर लेके आ रहे, तो 4.909 इंटू 10^-7। और फिर बेटा यहाँ पर 10 एक माइनस में आ जाएगा, देखो दोनों दशमलव को साथ साथ देखो, एक साथ इसको तो हम यहाँ पर आगे ले गए थे, इस दशमलव को तो हम कहाँ ले गए, आगे आगे ले गए, तो वैल्यू प्लस की आई, और इसमें दशमलव को हम कहाँ लेके आए, पीछे लेके आए, तो वैल्यू किसकी आई, जो दशमलव लगा है, जो घात लगी है वो किसकी आएगी, वो माइनस की आएगी, वो घात किसकी होगी बेटा, वो माइनस की घात होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 4.909 इंटू 10^-8, ये वैल्यू सही मान निकल के आएगा इसका, 4.909 इंटू 10^-8। अब आपको मेरे हिसाब से दोनों एग्जाम्पल से अच्छी प्रकार समझ में आया होगा, इसमें दशमलव को हमने आगे बढ़ाया, इसमें दशमलव को हमने पीछे ले गए, तो क्या हुआ, सॉरी इसमें तो आगे ले गए, इसमें पीछे ले गए, उल्टा बोल दिया, ये दशमलव यहां थी इसको इधर ले गए, और ये दशमलव यहां थी इसको और आगे ले गए, 4 और 9 के बीच में ले गए, और इस दशमलव को 2 और 4 के बीच में ले गए, पीछे से आगे ले गए, इसको आगे से पीछे ले गए, जब आगे से पीछे ले जाएंगे तो घात माइनस में आएगी, और जब पीछे से आगे ले जाएंगे तो घात प्लस में आएगी, ध्यान रखना। अब हम वैज्ञानिक संकेतन पद्धति से गुणा भाग सीख लिया, अब जोड़ घटा और सीख लो बेटा, नहीं आते आपको जोड़ करने घटा करने, नहीं आते, मैं कह रहा हूं नहीं आते, अब हमें वैज्ञानिक संकेतन पद्धति से क्या करना है, जोड़ घटा सीखना है, क्या सीखना है, जोड़ और घटा, सॉरी आप इसके स्क्रीनशॉट लेना भूल गए होंगे, लिख देता हूं मैं इसको एक बार फिर समझ लो, ये पॉइंट आगे गया तो 4.909 हो जाएगा, ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो ठीक है बेटा, यहां पर क्या लगा हुआ पॉइंट,
और इनटू क्या हो जाएगा 10^-7 इनटू 10^-1 तो क्या हो जाएगा 4.909 10^-8। ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन पद्धति से योग और घटाना। वैज्ञानिक संकेतन पद्धति से योग व घटा। देखिए बेटा जो वैज्ञानिक संकेतन पद्धति है अब हम पढ़ेंगे उनका योग करना। क्या पढ़ेंगे? योग करना। देखो बेटा योग में एक चीज ध्यान रखनी है वो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो यह एग्जाम्पल है आपके सामने। इसका हमें क्या करना है? योग करना। अब जब हम योग करते हैं तो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। 10^4 10^4 कॉमन है 6.65 0.895 10^4 सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 9 5 14 8 6 14 1 5 0 तो ये हो जाएगा 5 का 5। अब देखो जब योग करना हो तो दशमलव के बाद के सभी अंकों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मतलब 6.65 + 0.895। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा हम? 0, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पर? 3 अंक है। और 3 अंकों को बराबर करने के लिए उसमें हम किसका यूज करेंगे? शून्य का यूज करेंगे। देखो देसी तरीके समझा रहे हैं आपको, आराम से देखो। इरेज कर दो। देसी तरीके समझा रहे हैं हम आपको। इनटू क्या आ जाएगा? 10^4। ये तो हमने क्या किया? योग किया। क्या किया बेटा? योग किया। अब हम क्या सीखेंगे? घटाना। देखो आज आपको जोड़ना घटाना सिखाएंगे। देखो 25 × 10^-2 −4.8 × 10^-3। देखो बेटा एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको योग और घटा में। योग और घटा में क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? जो मेन बात है वो मेन बात क्या है कि जो दशमलव है ये दशमलव इनका मान समान रखना है, और जो ये भाग है इसकी वैल्यू भी समान रखनी है। जैसे यहां पर -3 है, यहां पर -2 है, तो हम क्या करें? या तो इसके
मान को बढ़ाएं या इसके मान को घटाएं, तो हम क्या करेंगे, इसी के मान को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें घटाना असंभव लग रहा है। तो 2.5 इंटू 10^-2, 2.5 इंटू 10^-2 -0.48। अब हम इस पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो आपको पता है मान प्लस में आएगा और 10^-3 इंटू 10^+1 हो जाएगा, जो लास्ट में क्या बचेगा, 2.5 इंटू 10^-2 -0.48 इंटू 10^-2। अब जब हम तीन में से एक को घटाया है तो कितनी मान आया है, -2। अब क्या करेंगे, 2.5 -0.48 48 पॉइंट के बाद के जितने भी अंक आते हैं उनको एक एक करके बोलेंगे 4, 8, ऐसे नहीं बोलेंगे 48, ध्यान रखना। अब 10^-2 10^-2 कॉमन आ गया और 10^-2 कॉमन ले लेंगे, वही तरीका लगाएंगे, 2.5 -0.48। तो यहां पर भी हम क्या ले लेंगे, 0। मैंने क्या बताया, उसको बराबर करने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको बराबर करने के लिए दूसरी जो संख्या है उसके अंकों के पीछे 0 लगा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2, यहां से कैरी आ जाएगी, यहां 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 और ये आ गए 2। तो मान क्या आ जाएगा, 2.02 इंटू 10^-2। देखो बेटा समझ में आया क्या, तो ये हमने सीख लिया घटा, गुणा करने पर घातों का योग होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इस टाइप से आज का हमने 10वीं क्लास को याद किया है, जो शायद आपने नहीं सीखे थे, नहीं किए थे, लेकिन आज आपने वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सीख लिया और साथ ही साथ वैज्ञानिक संकेतन पद्धति क्या है ये सीखा, साथ ही साथ टेम्परेचर तापमान से संबंधित जो भी बातें थी हमने आपको बताई, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, डिग्री सेंटीग्रेड को फोरनहाइट में बदलना, फोरनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना आज हमने आपको बता दिया है। और जो क्वेश्चन दिए हैं बेटा आपको क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स तो आप करते ही नहीं हो, क्या बात है, पता नहीं कमेंट्स करना ही भूल गए क्या।